हाय व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नयनतारा हॉबीज में। और मैं हूँ नयनतारा और आज मैं आपको दिखाने जा रही हूँ हाउ टू मेक ए पेपर कट लाइट शैडो बॉक्स। मुझे लगता है ये एक परफेक्ट गिफ्ट है आपके वैलेंटाइन के लिए। वैसे आप इसे कोई भी पर्पस के लिए गिफ्ट कर सकते हैं या अपने रूम डेकोरेशन के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए पहले हमें चाहिए 7 पेजेस, यानी कि हम 7 लेयर्स बनाएंगे। मैंने फर्स्ट लेयर को पहले से रेडी कर लिया था, अब आपको मैं सेकंड लेयर बना के दिखा देती हूँ। पहले पेज के चारों साइड एक मार्जिन देना होगा, फिर सेकंड लेयर के ऊपर फर्स्ट लेयर को रख के अपना ड्राइंग स्टार्ट कीजिए। नहीं तो जब सारे लेयर को मिला के एक पिक्चर आप देखेंगे तब आपकी पिक्चर की ऑब्जेक्ट इधर उधर हो जाएगी, नहीं तो एक के पीछे एक ढक जाएगी। इसलिए जब आप थर्ड लेयर को भी ड्रॉ करेंगे तब फर्स्ट लेयर और सेकेंड लेयर को थर्ड लेयर के ऊपर रख के ही ड्रॉ करना। कटिंग के टाइम पेज के नीचे कुछ भी रख देना ताकि आपके महंगे फर्नीचर खराब ना हो पाए। मेरे पास कोई पेपर कटिंग नाइफ नहीं था तो मैंने एक बना लिया है। आपको भी अगर जाना है तो वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वैसे आप अगर मेरी ड्राइंग को फॉलो करते हैं तो आपका 90% वर्क सीजर से ही हो जाएगी। आप अगर पेपर कटिंग आर्ट में बिगिनर्स हो तो कोशिश करना अपनी ड्राइंग को सिंपली रखना ताकि कटिंग के टाइम आपको ज़्यादा डिफिकल्टीज ना हो। अब इस लेयर को मैं फ्रेम अप करने वाली हूँ थर्मोकोल स्ट्रिप से। आप चाहे तो कार्डबोर्ड स्ट्रिप भी यूज कर सकते हैं। थर्मोकोल स्ट्रिप से फ्रेम अप करने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखेंगी। लास्ट लेयर में मैंने एक मून ड्रॉ किया है। अब इस मून के चारों ओर मैं कई सारे होल करूंगी। जब सारी होल से लाइट पास होगी तब ये कुछ स्टार जैसे दिखने लगेगी। सारी लेयर को एक के बाद एक रखने के बाद ये कैसे दिखेगा ये आपको मैं दिखा देती हूँ। अब सारी लेयर को ग्लू से चिपका देते हैं। अब हमें इस लेयर कट्स के लिए एक बॉक्स बनाना होगा। ये कुछ कार्डबोर्ड स्ट्रिप हैं। ये मैं अपने बॉक्स के साइज अनुसार इसे काट लिया है। आप देख सकते हैं मेरी कार्डबोर्ड स्ट्रिप की थिकनेस कुछ ज्यादा ही है, ये क्यों मैं आपको बाद में बताऊंगी। अब कार्डबोर्ड को हम टेप से चिपका के एक बॉक्स बना लेंगे। पहले मैं आपको बताई थी कि मेरी कार्डबोर्ड बॉक्स की थिकनेस मेरी लेयर कट से कुछ ज़्यादा ही है और वो इसलिए है क्योंकि मैं यहाँ पे लाइट लगाऊंगी। आप यहाँ पे कोई भी लाइट यूज कर सकते हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखिए उसका कोई हीटिंग प्रॉब्लम ना रहे, क्योंकि आप जानते ही हैं ये एक कागज का बना हुआ है। अच्छा होगा आप स्ट्रिप LED लाइट यूज कीजिए।
मैंने चारों साइड लाइट लगा लिया है, आप देख सकते हैं। अब मैं पीछे का हिस्सा एक कार्डबोर्ड से ढक दूंगा। अब कार्डबोर्ड की थोड़ा सा हिस्सा काट दीजिए तार निकलने के लिए। ओके, मेरी बॉक्स अब रेडी हो चुका है। मुझे पता है आप लोग क्या सोच रहे हो, मेरी बॉक्स की आउटलुक कुछ अच्छा नहीं है ना। कोई बात नहीं, मैं इसके लिए एक पेपर यूज करूंगा और इसे ग्लू से चिपका के बॉक्स को कवर कर दूंगा। अब मेरी बॉक्स अच्छी लग रही है ना। अब इस पोर्शन को ढकने के लिए मैं एक फ्रेम यूज करूंगा। ये मैंने कार्डबोर्ड से बनाया हुआ है और मेरी इस बॉक्स को डस्ट प्रूफ रखने के लिए मैं एक प्लास्टिक यूज किया है। अब मैं इस फ्रेम को थोड़ा सा डेकोरेट करूंगा। अब मैं कुछ न्यूज़पेपर स्ट्रिप्स से कुछ न्यूज़पेपर रोल बना लूंगा और इससे मैं इस फ्रेम को डेकोरेट करूंगा। आप चाहे तो ये स्टेप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा डेकोरेटिव करना चाहूंगा क्योंकि जब लाइट ऑफ रहे तब भी मेरी ये बॉक्स सुंदर दिखने लगी। अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में मैं इससे भी अच्छा वीडियो लेके आपके पास आऊंगी। तो फिर चलती हूँ, बाय।